हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित जयंत और एम एपिंग अकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम क्राइम एंड क्रिमिनल वर्ड्स, जो कि हमने 50 वर्ड्स लिए हुए हैं, उनको मैंने 4 पार्ट्स में कवर किया हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ और मैं उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप उन 2 वीडियोस को भी देख चुके हैं और इससे अगला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है लाइबल। लाइबल वर्ड वर्ब और नाउन दो तरीके से यूज किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है अपमान लेख या अभियोग पत्र। इसका मीनिंग है अ फॉल्स एंड मेलिशियस पब्लिकेशन प्रिंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिफेमिंग अ लिविंग पर्सन। मतलब कोई एक व्यक्ति को, लिविंग पर्सन को, उसको डिफेम करने के लिए, मतलब अपमानित करने के लिए, उसकी मानहानि का करने के लिए हम कोई एक गलत और मेलिशियस द्वेष भावना से पूर्ण, अगर हम कोई एक प्रिंटेड पब्लिकेशन करते हैं उसके खिलाफ, या हम किसी न्यूज़पेपर में या किसी प्रिंट में या मैगजीन में उसके खिलाफ कोई गलत शब्द या प्रयोग करते हैं जिससे उसका अपमान हो, तो इस प्रकार के क्राइम को हम लाइबल बोलते हैं। इसका यूजेज है एन हॉनरेबल मैन कुड हैव बीन जेल फॉर लाइबल और स्लैंडर। मतलब एक सम्मानित व्यक्ति को लाइबल और स्लैंडर, मतलब अपमान लेख में इसमें और स्लैंडर में, मतलब स्लैंडर के रूप में उसको जेल भेजा सकता है। मतलब स्लैंडर का मतलब होता है झूठी निंदा के रूप में, या लाइबल या इस तरीके का कोई अपराध करता है, या झूठी लाइबल और स्लैंडर दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब स्लैंडर का मतलब होता है झूठी निंदा करना, तो इस प्रकार के केस में उसको जेल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बिंग। बॉम्बिंग एक नाउन की तरीके से यूज होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है बमबारी या बम विस्फोट। इसका मीनिंग एन अटैक बाई ड्रॉपिंग बॉम्ब। वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान, या किसी हमले या अटैक के दौरान एक दूसरे कंट्री के ऊपर अगर हेलीकॉप्टर या जो अटैकिंग प्लेन होते हैं, जो उनके द्वारा अगर बॉम्ब्स गिराया जाता है, तो इस प्रकार के एक्टिविटी को हम बॉम्बिंग बोलते हैं। इसका यूजेज है द यूज ऑफ बॉम्ब्स फॉर सेबोटेज। सेबोटेज, सेबोटेज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ फोड़ कर देना, बुरी तरीके से ध्वस्त कर देना। अ टैक्टिक फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई टेररिस्ट। मतलब एक टैक्टिक का मतलब होता है चाल या एक तरीके से युक्ति या रणनीति, उसको फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादियों के द्वारा फ्रिक्वेंटली इसको किया जाता है, द यूज ऑफ बॉम्ब सैबोटेज, ध्वस्त करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक नाउन की तरीके से यूज होता है। इसका मतलब है क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरीड आउट बाई मीन्स ऑफ कंप्यूटर और द इंटरनेट। मतलब कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना या किसी चीज का पूरा कर लेना या अनुकरण करना किसी चीज का। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम एक एक्टिविटी है जो कंप्यूटर और इंटरनेट को से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो इस प्रकार के क्राइम को हम साइबर क्राइम बोलते हैं। और इसका यूजेज है साइबर क्राइम इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर एज। मतलब जो कंप्यूटर एज है उसमें बढ़ती हुई एक समस्या है साइबर क्राइम। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है और इसमें कंप्यूटर को हैक करना, कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा को चोरी करना इंटरनेट से, तो ये तरीके से वायरस भेजना, तो ये सारे एक्टिविटी साइबर क्राइम के अंदर आती है। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड एब्यूज। इसको नाउन की तरीके से यूज किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है बाल शोषण। इसका मीनिंग है चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड माल ट्रीटमेंट इज फिजिकल सेक्सुअल एंड और साइकोलॉजिकल माल ट्रीटमेंट और नेगलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन स्पेशली बाई पेरेंट और अ केयर गिवर। अब इसका मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ। माल ट्रीटमेंट का मतलब होता है अत्याचार या दुर्व्यवहार करना, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, या सेक्सुअल तरीके से, या साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक तरीके से, और नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है उसको लापरवाही करना या ध्यान न देना एक बच्चे को, चाइल्ड को या चिल्ड्रन को, स्पेशली बाई पेरेंट्स, माता पिताओं को, या केयर गिवर। केयर गिवर, केयर गिवर का मतलब होता है देख रेख करने वाला। अगर बच्चों की जो देख रेख करने वाला होता है माता पिता होती हैं, उनके द्वारा बच्चे को अगर उस फिजिकली या सेक्सुअली या मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको
माल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इस प्रकार के पूरे क्राइम को हम चाइल्ड एब्यूज बोलते हैं, जिसको हिंदी में बाल शोषण बोला जाता है। इसका यूजेज है चाइल्ड एब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब चाइल्ड बाल शोषण क्या है, एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट एक नाउन की तरीके से यूज होता है, इसका मतलब होता है गबन करना या धोखाधड़ी। इसका मीनिंग है थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट ऑफ बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर, मतलब एक चोरी या मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपका एक तरीके से गलत प्रयोग करना किसी चीज का, फंड का। फंड का मतलब होता है पूंजी आपकी या भंडार या वित्त में से, जो आपका एम्प्लॉयर जो मालिक है उसके साथ आप एक उसके साथ चोरी करते हो, उसके फंड की जो पूंजी होती है उसके साथ उसका गलत प्रयोग करते हो। तो इस प्रकार की पूरी एक्टिविटी को, पूरी क्राइम को हम एम्बेजलमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में गबन या धोखाधड़ी कहा जाता है, जिसमें आप किसी के वित्त को या किसी के भंडार या पूंजी के साथ धोखाधड़ी करते हो, तो इस प्रकार के क्राइम को एम्बेजलमेंट बोला जाता है। यूजेस प्लीज सेंड अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन द एलिज्ड एम्बेजलमेंट, मतलब जो तथाकथित जो एम्बेजलमेंट गबन या धोखाधड़ी थी उस पर मुझे मतलब सो पूरी रिपोर्ट भेजिए, इस तरीके सेंटेंस है, कंप्लीट रिपोर्ट भेजिए। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध क्रय विक्रय या तस्करी। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जगह आप ड्रग ट्रैफिकिंग भी वर्ड यूज कर सकते हो। जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यक्तियों का अवैध तरीके से क्रय विक्रय करते हो, मतलब इधर से दूसरी कंट्री में भेजना या उधर कंट्री से इधर कंट्री में लेके आना या तस्करी करना, इस प्रकार के पूरे क्राइम को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम ड्रग्स भी करते हैं, अगर हम किसी ड्रग्स को इलीगल तरीके से अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम उसको क्रय विक्रय करते हैं तो ये हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग कहलाता है। इसका मीनिंग नाउन, नाउन द क्राइम ऑफ डिस्प्लेसिंग पीपल विद अ व्यू टू एक्सप्लोटिंग देम, मतलब एक क्राइम है डिस्प्लेस करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, एक्सप्लोटिंग देम, एक्सप्लोइटिंग का मतलब होता है शोषण करना उनका, मतलब एक तरीके से दूसरी जगह भेज देना। तो इसको वर्ब है ट्रेड और डील अ कमोडिटी डील इलीगली, मतलब व्यापार करना या किसी के साथ डील करना कमोडिटी सामान की इलीगली तरीके से, तो हम इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग को वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। यूजेस फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर आर कॉमन, जो बाल शोषण है, फोर्स लेबर है, जो छोटे लोगों से जबरदस्ती इंडस्ट्री में काम कराया जाता है फोर्स लेबर, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो अवैध क्रय विक्रय करना, एंड चाइल्ड लेबर जो चाइल्ड लेबर है उसमें सारा ये क्या है, ये कॉमन है इंडिया में। नेक्स्ट है फिल्फरिंग, फिल्फरिंग का मतलब होता है एक वर्ब की तरह से यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है उठाई गिरी या छोटी चोरी, मतलब स्टीलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ओवर टाइम, मतलब एक समय में लगातार एक समय में काफी समय तक आप थोड़ा थोड़ी मात्रा में अगर चोरी करते हो। पिक्चर में देखिए आप एक कौवा है जो कि क्या कर रहा है, छोटी थोड़ी मात्रा में बार बार थोड़े थोड़े समय बाद आके थोड़ी थोड़ी चोरी कर रहा है, मतलब ये क्या है फिल्फरिंग, मतलब उठाई गिरी या छोटी चोरी है, एक बार में पूरा नहीं ले जा रहा लेकिन बारी में हल्का हल्का करके चोरी कर रहा है। तो इस प्रकार की पूरी एक्टिविटी को हम फिल्फरिंग बोलते हैं, मतलब उठाई गिरी या छोटी चोरी करना। यूजेस है सी हैड बीन फिल्फरिंग फ्रॉम द पैटी कैश फोर मंथ्स, अब समझ लिए पैटी, पैटी का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में या छोटी मात्रा में। सी हैड बीन फिल्फरिंग फ्रॉम द पैटी कैश फॉर मंथ, मतलब महीने से वो एक महीने से कम वो छोटी छोटी मात्रा में वो क्या कर रहे हैं उठाईगिरी कर रही है, मतलब वो चोरी कर चुकी है थोड़ी मात्रा में कैश को। तो इस तरीके से हम फिल्फरिंग को वर्ब की तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिंचिंग, लिंचिंग वर्ड को हम नाउन की तरीके से यूज करते हैं, इसका मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से प्राणदंड देना, मतलब लिंचिंग वर्ड सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में आजकल आपको देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से प्राणदंड। किलिंग समवन विदाउट लीगल प्रोसेस, मतलब किसी की हत्या कर देना बगैर कानून के खिलाफ, ऑफन बाय हैंगिंग, प्राय लटका कर या किसी को फांसी देकर या किसी को लटका कर पेड़ से लटका कर, ऑफन बाय एन एंग्री मॉब, एक क्रोधित भीड़ के द्वारा। तो इस प्रकार के पूरे क्राइम को हम लिंचिंग बोलते हैं। यूजेस इट वाज द लार्जेस्ट मास लिंचिंग इन यूएस हिस्ट्री, मतलब ये सबसे बड़ा लिंचिंग था
गैर कानूनी ढंग से प्राणदाता इन यूएस हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में, यूएस के इतिहास में। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट एक नाउन की तरीके से यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है जेब कतरा। इसका मीनिंग होता है स्टीलिंग वॉलेट, मतलब क्या, पर्स चुराना, पैसे चुराना। फ्रॉम पीपल्स पॉकेट, मतलब लोगों की जेब से। इन क्राउडेड प्लेस, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में हम किसी व्यक्ति के जेब से पर्स या उसके पैसे या छोटी छोटी चीजें अगर हम चुराते हैं तो इसको बोलते हैं पिक पॉकेट। इसको हिंदी में बोला जाता है जेब कतरा। यूजेस है व्हेन एवर यू ट्रेवल इन अ लोकल बस, जब भी आप लोकल बस में ट्रेवल करें करते हो, टेक केयर ऑफ पिक पॉकेट्स, मतलब सुरक्षित हो जाएं जेब कतरों से। नेक्स्ट है वोयरिज्म। वोयरिज्म एक नाउन की तरीके से यूज होता है, इसका मतलब होता है ताक झांक करना। मीनिंग सीक्रेटली वॉचिंग नेक्ड पीपल, जब आप नेक्ड पीपल मतलब नंगे व्यक्तियों को या सेक्सुअल एक्टिविटी को, एंड गेटिंग सेक्सुअली एक्साइटेड, मतलब किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को या नेक्ड पीपल को अगर आप छुपके से देखते हो, तो इस प्रकार के पूरे क्राइम को हम वॉयरिज्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है ताक झांक करना, मतलब एक सेक्सुअल एक्टिविटी को या सेक्सुअल एक्ट को या नेक्ड पीपल को, नंगे व्यक्तियों को देखना, इस प्रकार के क्राइम को पूरे को हम वॉयरिज्म बोला जाता है। यूजर इंटरनेट इज इंक्रीजिंग वॉयरिज्म इन किड्स, इंटरनेट इज इंक्रीजिंग वॉयरिज्म इन किड्स, मतलब बच्चों में आजकल इंक्रीजिंग हो रहा है वॉयरिज्म, ताक झांक इस तरह की एक्टिविटी आजकल किड्स में बढ़ती है। सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब होता है, नाम की तरीके से यूज होता है, इसका मतलब होता है उठाईगिरी। जब सॉफ्ट लिफ्टिंग एक पिक्चर में देखिए, शॉप में एक शख्स है जो कि सब सामान से, दुकान के अंदर से या मॉल के अंदर से सामान चोरी कर रहा है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी हम सॉफ्ट लिफ्टिंग बोलते हैं। इसका मीनिंग टेकिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉपर विदाउट पेइंग फॉर इट, मतलब बिना पे किए, बिना पैसा दिए हुए शॉप से, मॉल से या दुकान से सामान की चोरी करना, इस प्रकार के क्राइम को हम शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। इसको अगर जो चोरी करता है उसको बोलते हैं शॉप लिफ्टर, मतलब ए पर्सन हु स्टील फ्रॉम शॉप, जो शॉप दुकानों से चोरी करता है उसको शॉप लिफ्टर बोला जाता है। इसको वर्ब की तरह से यूज करें तो हम शॉप लिफ्ट वर्ब की तरह से यूज कर सकते हैं। इसका यूज इज है ही वॉज अरेस्टेड ऑन टू ओकेशन फॉर शॉप लिफ्टिंग, मतलब वो दो बार अरेस्ट किया जा चुका है शॉप लिफ्टिंग के लिए, मतलब उठाईगिरी के लिए, चोरी के लिए, जिसने उसने ये ऐसा क्राइम किया। नेक्स्ट वर्ड स्पीडिंग। स्पीडिंग का मतलब होता है बड़े वेग से गति या तेजी। स्पीडिंग नाउन की तरीके से यूज होता है द एक्ट ऑफ ड्राइविंग अ व्हीकल एट हाई स्पीड स्पेशली इन एक्सेस द स्पीड लिमिट, मतलब जब आप स्पीड लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके किसी व्हीकल को, बाइक को, कार को चलाते हो, ज्यादा वेग से या तेज गति से चलाते हो, इस क्राइम को हम स्पीडिंग बोलते हैं। जैसे बाइक देख रहे हो आप, ये तेज गति से ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब स्पीडिंग ये एक क्राइम है जो तेज गति से चलाई जा रही है बाइक। इसका यूजेज है हिज ड्राइवर्स लाइसेंस वॉज सस्पेंडेड फॉर स्पीडिंग, मतलब उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो सस्पेंड हुआ था किसके लिए, स्पीडिंग के लिए, मतलब जब उसने, जब अपनी बाइक को, जब गाड़ी को उसने तेज चलाया, इसके लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।